अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग फार्मेशियल प्लेटफॉर्म से। तो आज हम बात करेंगे बिल्डिंग्स की हाइट। किसी बिल्डिंग की आपने हाइट निकाल ली है, किसी टावर्स की हाइट निकाल ली है, किसी इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह की आपने हाइट निकाल ली है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। मैनुअल कैलकुलेशन के मुताबिक बताऊँगा, इंटरव्यू क्वेश्चन है, मैक्सिमम जगह के ऊपर आपसे इस बारे में पूछा जाता है कि आपने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। बहुत सिंपल है, छोटी सी वीडियो होगी, आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आपके पास कोई भी बिल्डिंग है, टावर है, लाइट पोल है, किसी की भी आपने हाइट निकालनी है, तो सेम टू सेम फार्मूला आएगा। आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, इसकी आपने हाइट कैलकुलेट करनी है। आपको कहा जाता है कि आप इसकी हाइट कैलकुलेट कर दें, और तो आपको ड्राइंग के अंदर बताया गया होगा किसी चीज़ के ऊपर किसकी आपने हाइट कैलकुलेट करनी है, और नीचे आपको उसका डिस्टेंस बताया गया होगा और साथ उसका एंगल आपको दिया गया होगा कि ये हमारे पास इसका एंगल है। तो उसकी मदद से आपने एंगल और डिस्टेंस की मदद से आपने इसकी हाइट को कैलकुलेट करना। तो हाइट की कैलकुलेट का हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है, हाइट इज इक्वल टू 10 एंगल मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास होगा 200 का और जो एंगल हमारे पास दिया गया होगा 32 डिग्री का। तो ये हमने 10 का एंगल ले लेना है और उसको मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस आपने कर देना। तो इसको सपोज करेंगे तो इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई 200 इसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो आपने इसी तरीके से कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। सबसे पहले 32 डिग्री का आपने 10 ले लेना है। ये 10 लेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 0.625 6249। हमारे पास इसका 10 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई आपने 200 कर देना है और उसको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 0.6249 मल्टीप्लाइड बाई 200 तो इजिकल टू 124.980 मीटर हमारे इस पूरे टावर की, इस पूरी मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है इसकी हाइट आ जाएगी। तो आपने ये हाइट को इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेना है। आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास पोल है, कोई टावर है, कोई भी चीज़ है, तो आपने उसको इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेना है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, ये मैक्सिमम आपको हर इंटरव्यू के अंदर, जिधर आपके लॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उसके अंदर ये लाजमी चीज़ होती है। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, आपने इसको इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर कर देना है। अल्लाह हाफिज़।